आस्था के छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और पूरा चंडीगढ़ इस त्योहार में रंगने को सरोवर है। तो वहीं इंदिरा कॉलोनी के ग्रीन बेल्ट में बनी झील की सुंदरता पूरे चंडीगढ़ में अपनी छाप छोड़ रही है। जहां कहीं भी चर्चा करो तो इंदिरा कॉलोनी के छठ घाट की सुंदरता की ही चर्चा हो रही है। वार्ड नंबर 4 के पार्षद सुमन शर्मा और उनकी टीम के द्वारा बड़े ही बेहतर ढंग से इस घाट को सबसे सुंदर घाट बनाने के लिए अथक मेहनत और प्रयास किया है। पार्षद सुमन शर्मा एवं समस्या समाधान टीम के अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग की चित्रकारी से इस घाट को सजाया गया है और छठ माता का व्रत रखकर पूजा करती महिलाएं इसकी आकृति सबका मन मोह रही है। उन्होंने नगर निगम चंडीगढ़ का भी विशेष धन्यवाद किया जिनकी बदौलत इंदिरा कॉलोनी के ग्रीन बेल्ट छठ घाट की सुंदरता की वजह से इसका नाम पूरे चंडीगढ़ में रोशन हो सका। देखिए चंडीगढ़ से अजीत जहां। छठ पूजा को लेकर जो लोगों में चंडीगढ़ में बात करें तो छठवर्ती महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। बड़े ही आस्था का पर्व ये मनाया जाता है और इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंदिरा कॉलोनी में खड़े हैं जहां पर जो इंदिरा कॉलोनी के साथ एक ग्रीन बेल्ट बनी हुई है और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं आम आदमी पार्टी सुमन शर्मा उनके द्वारा ये भव्य तरीके से जो आयोजन किया गया है। छठ घाट की बात करें तो बड़ा सुंदर इस बार का छठ घाट बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमन जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इस बार जो छठ पूजा को एक आपने अलग तस्वीर दी है। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या पूरे शहर में पूरे मतलब हमारे देश में जैसे छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे खासकर देखो इंदिरा कॉलोनी में जो पूर्वांचल भाई है वो इसको बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। जैसे कि हमने सोचा इसको क्यों ना एक नया रूप दिया जाए, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे ये पौंड कितना अच्छा सजा हुआ है। मैंने अपने सभी जो भी मतलब छठवर्ती महिलाएं हैं उन सब के लिए एक ये मेरी तरफ से मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का पूरी कोशिश करी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है ये घाट, जैसे लाइटिंग हो रही है और पूरा इसको सजाया गया है, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर देख सकते हैं कितना सुंदर जो है इस बार का घाट बनाया गया है छठ घाट। और कल शाम डूबते हुए सूर्य को जो है छठवर्ती महिलाएं अर्घ देंगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रांति शुक्ला जो कि काफ़ी सोशल वर्क भी हैं और आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। शुक्ला जी क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बड़ा सुंदर जो छठ घाट इस बार के काउंसलर ने दिया। सबसे पहले हमारे चंडीगढ़ के सभी पूर्वांचल निवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और प्रकृति ने परमात्मा ने हमें एक मौका दिया कि हम इस बार जो छठ पर्व जो हमारे पूर्वांचल निवासी मना रहे हैं उनकी सेवा करने का, और हमारी पूरी टीम ने पार्षद हमारी सुमन शर्मा के साथ मिलकर के बहुत दिल से हमने इस कार्य को पूरे जज्बे के साथ, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट अनिल कुमार जी मैं उनकी स्पेशल उनका थैंक्स करना चाहता हूँ, पूरे जज्बे के साथ पूरे लगन के साथ दीपावली के बाद से लेकर के हमने इस घाट को हमसे जो भी हो सका हमने उसको बेहतर सुंदर चंडीगढ़ के अंदर नंबर एक छठ घाट बनाने का हमने जो संकल्प लिया था आज हमें लग रहा है कि वो हम पूरा कर चुके हैं। और गौरवान्वित हैं हम लोग कि हम जो ये पावन पवित्र कार्य हमें जो करने का मौका मिला उसमें हमारे इंदिरा कॉलोनी के निवासियों का हमें बहुत प्यार और सहयोग मिला इस चीज़ को लेकर के। तस्वीरें देख सकते हैं आपको जो ये इसकी चार दीवारी की गई है वो मधुबनी पेंटिंग से की गई है और आप मेरे सामने देख सकते हैं जो छठवर्ती महिलाएं जिस तरीके से सूर्य को अर्घ देते हैं उसके भी जो कलादृष्टि जो यहाँ पर दिखाई गई है एक बहुत ही भव्य तरीके से दिखाई गई है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं जो कि शायद यहाँ पर छठ पूजा भी करती हैं। आप यहाँ पर क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बड़ा सुंदर घाट आपको दिया? ठीक अच्छा है। हाँ जी आप भी करती हैं छठ पूजा? आते मुला सब आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखने आते हैं आप? हाँ जी। कहाँ से रहे? ये इंदिरा कॉलोनी से। कहाँ के रहने वाले? ये यूपी से। यूपी से। तो देख सकते हैं लोगों का भी यही कहना है कि जो इस बार का छठ घाट है जो बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। तो यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इंदिरा कॉलोनी से रवि पासवान जी। नमस्कार, मैं रवि पासवान। पहले हमारे सभी वार्ड वासियों और देशवासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार हमारी
वार्ड पार्षद सुमन देवी जी ने हमें इतना मौका दिया कि हम अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए, मैं खुद पूर्वांचल से हूँ और मेरी माता जी खुद छठ पर्व करती हैं हर साल, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें, मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं हमें इतनी अच्छी जगह जो हमारी सुमन देवी पार्षद जी ने बनाई है, लोगों में बहुत उत्साह है और देखने को भी मिल रहा है, बड़ी अच्छी कलाकृति की गई है हमारे अनिल जी जिन्होंने किया है, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस छठ पर्व पर, और छठ मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए, बस यही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। बड़ी सुंदर कलाकृति यहाँ पर कलाकृति की गई है और लोग भी यहाँ पर जो देख सकते हैं शाम के समय देख रहे हैं, और 42 में भी जो है कल बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और लाखों की तादाद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है छठ व्रती महिलाएं सेक्टर 42 न्यू लेक में जो है पूजा करेंगी, और इस जगह को भी देख सकते हैं कितनी सुंदर कलाकृति की गई है, तो यहाँ पर भी लोग छठ व्रती महिलाएँ जरूर पहुँचेगी। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मुकेश मिश्रा के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 4326 36 9988 18 8801.